हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्री और आप देख रही हैं जस्ट वॉश्री। तो गाइस, बंगाल में बहुत सारी साड़ियाँ पहनी जाती है जिनमें से थ्री स्टाइल मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साड़ी से रिलेटेड साड़ी स्टाइलिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो मैंने यहाँ पर साड़ी को ही फ्रंट से यहाँ से मैं ये अंदर की तरफ मैं टक करूँगी। आप धीरे धीरे करके ये पीछे पीछे टक कर लीजिए, अपने कंफर्टेबल हो आप इस हिसाब से करिए। अब मैं बनाऊंगी प्लेट्स। उसमें बंगाली साड़ी में प्लेट्स कुछ अलग तरीके से पड़ती हैं तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस साइड लिया साड़ी को ऐसे, और इस साइड साड़ी को लेके ये अंदर की तरफ टक कर लेंगे। फिर इसी साड़ी को ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद अब इसको इस साइड ऐसे लाएंगे और यहाँ पे टक्का लेंगे। फर्स्ट प्लेट मेरी पड़ गई है और अब एक और मैं डालूँगी। तो यहाँ से मैंने इस साड़ी को लिया और यहाँ तक लिया, जहाँ तक मैंने फर्स्ट प्लेट डाली थी वहीं तक मैंने सेकंड भी डाली है। तो यहाँ पे लेके सेकंड टक कर लेंगे, इसको भी अंदर की तरफ टक कर लेंगे। अब आपका ये पल्लू कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो आप पल्लू को पकड़ के फिर इस पल्लू को प्लेट्स बनाएंगे। इस पल्लू में देखिए, तो इस टाइप से आप प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स बनाने के बाद आपकी प्लेट्स कुछ आगे पीछे से हो जाएंगी तो आप उनको बराबर कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी साड़ी भारी है और आप अच्छे से प्लेट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप पहले तो प्लेट्स को आप ठीक कर लेंगे। ये मैंने पहले से ही क्लिप लगा रखे थे तो इन क्लिप्स को ऐसे लगा देंगे और इस टाइप से आप बना लेंगे प्लेट्स को। यहाँ पे मैं थर्ड क्लिप लगा दे रही हूँ। क्लिप लगाने के बाद आप इसको शोल्डर पे रख के, आपको नीचे तक पल्लू रखना है तो इसलिए आप थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा पल्लू रख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा पल्लू किया है मैंने और इस पल्लू को यहाँ पे सेफ्टी पिन से फिक्स कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद आप क्लिप को हटा देंगे। इनको हटा दिया। अब ये मेरी साड़ी कुछ, तो आपकी साड़ी कुछ इस टाइप की आपको मिल जाएगी तो आप इसे ठीक करेंगे पहले। तो आपकी साड़ी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो जब आपकी साड़ी इस टाइप की हो जाए उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला सामने वाला फैब्रिक है, इसको आप ले जाएंगे तो आपका कुछ इस टाइप से आएगा। जब इस टाइप से आएगा तो आप इसको ले जाके और ये पीछे की तरफ लाएंगे, और पीछे की तरफ ले जाके आप इसको अंदर की तरफ पीछे से टक कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है इस पल्लू की। तो पल्लू को कैसे ठीक करेंगे, आप इस पल्लू को पीछे से लाएंगे ऐसे। पीछे से लाने के बाद आपका जो ये कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर को आप यहाँ पे शोल्डर पे ले जाएंगे इस पर, और इस शोल्डर पे आप इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो आपको कुछ इस टाइप की साड़ी आपको देखने को मिलेगी पहनने के बाद, कुछ इस टाइप से इसका लुक आएगा। सेकंड स्टाइल साड़ी के लिए मैंने यहाँ पे इस साड़ी के स्टार्टिंग पॉइंट को लिया है और मैं अंदर की तरफ इसको टक कर लूँगी। यहाँ पे पीछे की ओर अंदर की तरफ टक कर लेंगे। जब आपकी साड़ी अच्छे से टक हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे ये पल्लू। पल्लू लेने के बाद आप इसमें प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पे इसको रख ले रही हूँ और ये मेरा पल्लू यहाँ तक आ गया। मैंने यहाँ तक करना था, पिन से सिक्योर कर लूँगी। हटाने के बाद जो आपकी ये साड़ी बची हुई है आप इसमें प्लेट्स डालेंगे, और आपको छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है जैसे नॉर्मल साड़ी में हम लोग डालते हैं, वैसे ही इसमें भी प्लेट्स डाल लेंगे। ये नीचे से ठीक हो जाए उसके बाद आप इन प्लेट्स को लेके सामने की तरफ अंदर की ओर टक कर लेंगे। आप जो ये पल्लू बचा हुआ है इसकी बारी है, अब इसको आप पीछे से ले जाएंगे। पीछे से ले जाने के बाद आप इस पल्लू के कॉर्नर को पकड़ेंगे, जो दो प्लेट्स हैं इनको ऊपर से उठाएंगे। उठाने के बाद जो ये कॉर्नर है इसको ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे, आप यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे।
ठीक करने के बाद आपकी साड़ी कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बैंड ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ये बैंड पहन लूँगी। मैंने यहाँ पे ये कमरबंद बांध दिया है। तो सेकंड स्टाइल मेरा कुछ इस टाइप का आया है, बंगाली लुक। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा है आपको ये। थर्ड स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे जो पिन से सिक्योर किया था उसको मैं यहाँ से पिन निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसको पीछे की तरफ लाएंगे, जैसा पल्लू था वैसा ही रखेंगे। उसके बाद जो ये प्लेट्स मैंने बनाई थी, इन प्लेट्स को आप निकालेंगे। ऐसे निकालने के बाद मैं इसी साड़ी में आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े बाकी सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो वैसा कि वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। तो ये इन प्लेट्स को आप यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर टक करेंगे। मैं यहाँ पर थर्ड स्टाइल बता रही हूँ। करने के बाद इस फैब्रिक को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे टक करेंगे। उसके बाद इसी फैब्रिक को पकड़ के आप यहाँ से ठीक कर लेंगे। ठीक करने के बाद आप इसी फैब्रिक को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे टक करेंगे। ये फैब्रिक बचा हुआ होगा, इस फैब्रिक को आप कुछ इस टाइप से पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद आप इस फैब्रिक को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ऐसे पीछे तक की तरफ ले जाने के बाद आप इसको अंदर की तरफ यहाँ पे टक कर लेंगे। आपका जो ये पल्लू है वो मैंने सेकंड स्टाइल बताया था इसलिए थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो आप इन प्लेट्स को थोड़ा ऐसे ही ठीक करेंगे। आप ऐसे ठीक कर लेंगे अच्छे से। ठीक करने के बाद आपकी जो ये प्लेट्स हैं पल्लू वाली, इसको आप ऐसे पीछे से लाएंगे। ऐसे पीछे से लाने के बाद आप इसको इस शोल्डर पे लाएंगे, ऐसे पिला के, और आप इसको इस टाइप से यहाँ पे रखेंगे शोल्डर पे। यहाँ पे ये बांध लेती हूँ। तो ये बन गया मेरा थर्ड स्टाइल। ये बंगाली का बहुत ही मॉडर्न स्टाइल है, आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको तीन स्टाइल बताए हैं, आप इस दुर्गा पूजा में तीनों में से कोई भी स्टाइल ट्राई कीजिए, बहुत ही यूनिक लगेगा। दुर्गा पूजा आने वाली है और दुर्गा पूजा के दिन बंगाल में कई तरह की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो मैंने वही साड़ियाँ आज आपके साथ शेयर की हैं। अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।